बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिसेंट टेलर। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो है ना, मैं आपको फ्रंट जो पॉकेट है, फ्रंट पॉकेट जो है वो आपको गुलाई करने का तरीका सिखाऊंगा। ये देखें, ये हमने पैटर्न काटा हुआ है। उस तरह जो है ना गुलाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये हमने पैटर्न काटा हुआ है इसका। ये देखें, ये हमने 5.25 और ये इस तरह लंबाई में 1/2 इंच बड़ी होती है, 1.25 का ये हमने पैटर्न काटा हुआ है, ठीक है ना। इसके साथ हम गुलाई करते हैं। ये हमने इसके बैन के भी काटे हुए, हर चीज़ का हमने अलग अलग, मैं ये भी तरीका सिखाऊंगा पैटर्न कैसे काट दें। तो ये हमने ये काटा हुआ है, इसके मुताबिक हम इसको गुलाई करेंगे। जेब को गुलाई में ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। वीवर, ये जो मैंने पैटर्न काटा है ये बड़े सूट का जो है उसके मुताबिक काटा हुआ है, ये ठीक है ना। ये बड़े सूट के छोटे सूट में छोटे के मुताबिक लगेगी जेब, ठीक है ना। ये बड़े सूट को 5.25, 1.5 या 5, 5.5 लगती है। तो इस बड़े सूट के मुताबिक मैंने काटा हुआ है। तो ये देखो, इसको इससे हमें आसानी हो रही थी गुलाई करना। जेब नहीं, आपने पैटर्न नहीं ले लेना, पैटर्न अपनी जगह पे रहे। तो आपने ऐसे गुलाई करते रहना। ये देखें, जेब गुलाई मैंने कर ली है इस तरीके से। एक बड़े सूट की पॉकेट है, ये देखें। ये देखें, ये मैंने पैटर्न निकाल लिया, ये जेब है, ठीक है ना। और ये फालतू जो कपड़ा ना आपने ये मतलब ये इतना इतना छोड़ देना, छोड़ने के बाद ये देखें, ये आपने बाकी फालतू कपड़ा कटिंग कर लेना। फालतू कपड़ा कटिंग कर लेना। ये जेब मैंने तैयार कर ली है। तो अभी मैं आपको इसको ना लगाने का तरीका सिखाऊंगा, जैसे लगाना है, ठीक है। व्यूअर्स, ये मैंने ना फ्रंट बैक जो है ये जोड़ दिया था। आपने ये जोड़ना नहीं है, जोड़ने से पहले फ्रंट हिस्से के ऊपर आपने पॉकेट लगानी है। लेकिन मैंने बाजू वगैरह जोड़े हुए, इसके तीरा भी जोड़ा हुआ है। तो आपने ये जोड़ने से पहले पॉकेट लगानी है, लेकिन अभी भी लग जाएगी। अभी फ्रंट ओपन है, ये मैंने बांध नहीं किया, साइड बांध नहीं की, ठीक है। लगाने का तरीका ये है कि आपने ये पट्टी है, फ्रंट पट्टी, पट्टी का आपने इस तरीके से ये पट्टी है, पट्टी का सेंटर आपने ऐसे कर लेना, इस तरीके से सेंटर कर लेना, इस तरीके से सेंटर कर लेना। ऐसे बराबर करके तो इधर निशान लगा लेना आपने, इस तरीके से, इस तरह निशान लगाना है। और इस तरीके से निशान लगाना है, ये इधर से आपने एक इंच के मुताबिक ऐसे निशान लगा देना है। ये देखें, ये 1 इंच के मुताबिक आपने पट्टी के साथ निशान लगा देना, 1 इंच के फासले पे आपने जेब लगानी है। ये निशान मैंने लगा लिया, ये देखें। तो ये पॉकेट जो है हमारी, ये पॉकेट जो है हमारी इस तरह आ जाएगी निशान के ऊपर। ये निशान के मुताबिक ऐसे हमने ये पॉकेट लगा लेनी है, ये देखें। तो मैं अब ये आपको लगा के बताता हूँ कैसा लगानी है। व्यूअर्स, पहले आपने पट्टी के ऊपर जो है ना सिलाइयाँ मार लेनी है, जो इसके ऊपर सिलाई लगनी है। ये डबल सिलाई जेब है, तो डबल सिलाई मैंने मारनी है इसके ऊपर, पट्टी के ऊपर। तो ये देख लें सिलाई किस तरीके से मारनी है आपने।
इधर ये देखें, ये सिलाई जो है ना ये मार रहा, तो लाइट हमने इधर लाइटिंग करी हुई, लेकिन ये हाँ ना मौसम जो है ना बारिश का हुआ हुआ, तो मौसम थोड़ा अंधेरा है, तो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप ना ऐनक लाजमी लगा दीजिएगा। ये डबल सिलाई का है, ये डबल सिलाई हम आ रहे हैं इसके ऊपर, ये देखें ये डबल सिलाई है। देखें ये मैंने रख ली है, ठंड बहुत है आज। ये देखें ये इस तरीके से ना लाइनों के बराबर आपने रख लेनी है, तो बहुत ठंड है आज, ठंड लग रही है। एक मिनट चादर ले रहा हूँ। ठंड में अपना ख्याल लाजमी रखना है, नज़ला जुकाम बहुत हो रहा है लोगों को। तो ये देखें यहाँ से पक्का लाजमी कर लेना, इसके बराबर रखे ना, यहाँ से आपने कच्चा कर लेना इस तरीके से। ये कच्चा करने के बाद ये आपने दूसरी साइड से शुरू करनी है, इस साइड से ये आपने निशान के बराबर रख लेनी है, ये निशान है, निशान के बराबर आपने रख लेनी है, और किनारे के सिलाई से शुरू करना है, पक्का लाजमी कर लेना है। और ये इधर से आपने बराबर कर लेना लाइन के, ये निशान के बराबर। ये आपको खींचना नहीं है, गुलाई में नजर आना, आपने स्लो चलानी मशीन ताकि गुलाई आपकी ख़राब ना हो जाए, खींचना नहीं जेब को। जैसे जेब मुकम्मल हो गई मेरी, सिलाई जो है ठीक है ना, बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे इंशाल्लाह कोई और चीज़। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।